हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी। तो पूरे 12 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोग दिल्ली से आ पहुँचे हैं इंडिया के पैराग्लाइडिंग कैपिटल बीरबिलिंग। ये काफ़ी सडन और काफ़ी इमीडिएट प्लान था हम लोगों का। हम लोगों ने जस्ट कल ही टिकट्स बुक किए थे, काफ़ी आसानी से हम लोगों को मिल भी गया था, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाइम है शायद लास्ट का, तो स्लाइटली ऑफ सीज़न टाइप का यहाँ पर हम लोगों को क्राउड देखने को मिल जाता है। और हम लोगों को जो होम स्टे हम लोगों ने यहाँ पर अभी ऑप्ट किया है वो काफ़ी आसानी से मिल गया था। होम स्टे काफ़ी अच्छा है और वहाँ से जो कंप्लीट नेचर का व्यू है वो एक बोनस पॉइंट है। तो उसी के साथ मैं आपको आसपास का एरिया भी साथ ही साथ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या वेदर कंडीशन है एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा होम स्टे जहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। सनी वेदर है, थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर है और इतनी कुछ खास ठंड नहीं है। मींस एक शर्ट और एक जैकेट में आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे एक स्नोई माउंटेन हम लोगों को दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम लोगों को ग्लाइडर्स भी दिख रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे कैमरा से कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है बट यहाँ पर सुबह से लगातार हम लोग तीन चार पैराग्लाइडिंग के ग्लाइडर्स दिख रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। हम लोग आज तो नहीं बट कल पैराग्लाइडिंग अपने हम लोगों ने कल का प्लान किया है, तो देखते हैं कि कल कैसा वेदर रहता है और उसके हिसाब से हम लोग कब कर पाते हैं। यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं बीड़ की लोकल साइट सीइंग के लिए, जिसमें हम लोग जा रहे हैं अपने होटल से लैंडिंग पॉइंट की तरफ। लैंडिंग पॉइंट मीन्स जहाँ पर जो भी पैराग्लाइडिंग के इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर जो ग्लाइडर्स होते हैं वो वहाँ पर लैंड करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी मेन एरिया है या फिर जो भी अच्छे कैफेज़ या रेस्टोरेंट्स हैं वहीं पर सिचुएटेड हैं। हमारे होटल से वो है लगभग 2 किलोमीटर। तो हम लोग मौसम का मज़ा लेते हुए और वाइब्स एंजॉय करते हुए पैदल ही जा रहे हैं। ये लग रहा है कुछ लाइक टेंपल टाइप है, टिबेटन टेंपल लग रहा है ये। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, आगे देखते हैं। बाकी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम लोग आ चुके हैं और इस तरीके का कुछ वाइब देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी ऑफ सीज़न है तो इतना कुछ ज़्यादा हैपनिंग लग नहीं रहा है। लोकल पीपल ही देखने को मिल रहे हैं इधर काफ़ी ज़्यादा। हम लोग लैंडिंग पॉइंट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग ही वाइब है इधर का। माउंटेंस और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, हम लोग इतनी दूर से उसको देख रहे थे, मगर अब जैसे हम लोग लैंडिंग पॉइंट के बिल्कुल पास पहुंचते जा रहे हैं माउंटेंस और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। वाओ, सीरियसली इस टाइप का जो सिनेरियो था या फिर इस टाइप का जो सीन था मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था। देख करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इसे। दैट्स रियली अमेजिंग। लैंडिंग पॉइंट की तरफ जाते हुए हम लोगों को बीच में दिखा एक बहुत प्यारा सा कैफ़े, जून 16 कैफ़े। यहाँ पर हम लोग रुके, हम लोगों ने कुछ एक्सप्लोर किया कि हम लोगों को खाने के लिए क्या क्या मिल सकता है और ऑलरेडी क्रेविंग हमारी काफ़ी ज़्यादा थी। हम लोग सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, समथिंग स्पेशल एंड समथिंग यूनिक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग हैं अभी जून 16 कैफ़े में। हम लोगों ने ऑर्डर किया है अरेबियाता पास्ता और सनराइज स्मूदीज़। सनराइज स्मूदीज इज़ नथिंग बट ब्लेंड ऑफ पपाया, पाइनएप्पल एंड बनाना ऑल अलोंग। तो यहाँ पर हमारे पास सर्व हो चुका है सनराइज स्मूदी ऑल अलोंग। हम लोग वेट कर रहे हैं पास्ता का। देखिए सनराइज स्मूदी के, दिस इज हाउ सनराइज स्मूदी इज़ लुकिंग। अब उपासना मुझे बताएंगी कि टेस्ट में कैसी है। ओनली नाइस, गुड इनफ, फेयर इनफ, या मच बेटर हो सकती थी, ओनली नाइस। ओके, सो मीन्स लगता है कि ब्लेंड ऑफ पपाया, पाइनएप्पल, बनाना इज नॉट सो सूटिंग फॉर अस। तो ये अरेबियाता पास्ता, देखते हैं इसका क्या रिव्यू होता है। दैट्स नाइस।
तो कुल मिलाकर इतना अच्छा पास्ता खा कर इतनी चीज़ मुझे लगी कि मन खुश सा हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे जहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे भीड़ वाला एरिया। सो फाइनली हम लोग लैंडिंग साइट पर पहुँच ही गए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छे टेम्पटिंग और काफ़ी अच्छे वाइब्स वाले कैफ़े हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे कि और आगे क्या है हम लोगों के लिए यहाँ पर वैली में। तो ये है प्रॉपर लैंडिंग एरिया। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ओपन स्पेस और काफ़ी प्यारा सा, मतलब यहाँ पर देखिए कि माउंटेन का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी अर्सा हो गया था ऐसा कुछ व्यू देखे हुए, जहाँ पर हरे हरे घास के मैदान, इतना प्यारा है, स्नो माउंटेन हो क्लाउड्स के साथ, सच में काफ़ी अच्छा है। तो अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आ चुके हैं अब कैफे सिल्वर लाइनिंग्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो वाइब है वो बिल्कुल फार्म हाउस टाइप का है, वह फार्म हाउस कैफे आप इसको बोल सकते हैं। काफ़ी प्यारा सा इसका एंट्रेंस है। हम लोगों ने सेलेक्ट की एक बाहर की सीटिंग यहाँ पर, और इतना सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। लोग जिसमें से ले रहे हैं आज बैनो पे पाए या थैंक यू। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा डॉगी फ्रेंडली। फिर हम लोगों ने खाए वन ऑफ द बेस्ट मोमोज ऑफ आवर लाइफ्स, वेज मोमोज, जो कि था शिवाज जूस कॉर्नर एंड कैफे। बिल्कुल लैंडिंग वाला जो पॉइंट है उसके जस्ट सामने है। इनके मोमोज कम शेप वैसे डम्पलिंग जैसा है, बट काफ़ी अच्छे, काफ़ी डिलीशियस हैं। रेट्स भी काफ़ी नॉमिनल है। लाइक हम लोगों ने 10 पीस जो खाए वो मात्र 80 रुपए के थे। सो गिव इट अ ट्राई। गुड़गांव